हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे एंजल्स नंबर 11 के बारे में। एंजल्स नंबर 11 इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर, एंजल्स नंबर 11 ये एक लीडरशिप का नंबर माना जाता है, एक राजा महाराजा का नंबर माना जाता है। जब भी आपको एंजल्स नंबर 11 साइन शो हो तो आप समझ जाना कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। इसलिए ये नंबर आपको बार बार शो हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, एक नए रास्ते खुलने वाले हैं, कोई नया ऑफर मिलने वाला है आपको, इसलिए ये नंबर बार बार आपको शो हो रहा है। एंजल्स नंबर 11 का मीनिंग ये भी होता है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो और तब ये नंबर आपको बार बार शो हो रहा हो, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने थॉट पर एक बार ध्यान दो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन पर ध्यान दो, बिकॉज वो थॉट, वो आइडिया आपके लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाने के लिए। इसलिए आप अपने थॉट्स को एक बार चेक करो कि आपके दिमाग में ऐसा मतलब कोई आइडिया आ रहा हो तो आप उसे एक बार ध्यान से देखो, मतलब सुनो, मतलब सोचो, और सोचो कि ऐसा क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, एंजल्स नंबर 11 का मीनिंग ये भी होता है, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए वेकअप कॉल है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ सोच कर रखा है तो अब उसका कंप्लीशन टाइम आ चुका है, और ये बहुत ही गुड साइन है एंजल की तरफ से। ठीक है, एंजल्स नंबर 11 का मीनिंग ये भी होता है, अगर आप यूनिवर्स से किसी चीज़ को मांग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप बहुत सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने ही वाली है। आप अपने विश को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको ये बार बार 11 साइन शो करवा रही है। ठीक है, ये नंबर तब भी हमें ज़्यादा दिखते हैं जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने लगता है, आपका स्पिरिचुअल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होता है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होने लगती है, तब भी ये नंबर हमको बार बार शो होता है, क्योंकि हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होने लगती है। यूनिवर्स हमें 11 साइन शो करवा कर ये भी कहना चाहती हैं। ठीक है, फिफ्थ, आपकी कोई पुरानी विश भी मैनिफेस्ट होने वाली होती है, तब भी ये 11 आपको बार बार शो होता है। जो आप भूल चुके, आपको याद नहीं है कि आपने कभी कोई विश मांगी थी यूनिवर्स से, कुछ मांगा था यूनिवर्स से, लेकिन आप तो भूल चुके हो, लेकिन यूनिवर्स तो ना भूलते हैं, यूनिवर्स को तो सब याद रहता है, इसलिए वो ये 11 आपको शो करवाते हैं कि आपकी कोई पुरानी विश है जो आप भूल चुके हो, वो भी आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है जो यूनिवर्स से आपने पहले कभी मांगा था। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है और आप उसे बार बार सोच कर नेगेटिव हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपको 11 साइन शो इसलिए करा रहे हैं कि पास्ट की बातें मत सोचो। अगर आप पास्ट की बातें सोचोगे अभी इस टाइम, तो वही सेम चीज़ आपके प्रेजेंट में अट्रैक्ट होकर आ जाएगी, वही सेम चीज़ अगर आप जो भी सोचोगे, क्योंकि ये नंबर बहुत ही पॉजिटिव और मैनिफेस्टेशन का नंबर है। जो भी आप सोचोगे, जो भी करोगे, वो सेम चीज़ आपके सामने अट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए अच्छा और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही चीज़ आपके सामने आएगी। जो भी आप अच्छा सोचोगे, जो भी आप अच्छा करोगे, वही सेम चीज़ आपके पास आएगी, इसलिए नेगेटिव मत हो, बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोचो, बहुत अच्छी सोचो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।